दुर्ग में बीती रात धमदा नाका पुलिस मोर्चा पॉइंट के पास हुए हादसे के बाद घायल व मृतक के परिजनों ने शव ले जाने से इनकार किया और मरचूरी में प्रदर्शन किया। दुर्ग में बीती रात धमदा मार्ग स्थित पुलिस मोर्चा पॉइंट के पास हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन युवकों को चार पहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद सोमवार की सुबह दुर्ग मरचूरी पहुंचे स्थानीय पार्षद व परिजनों के द्वारा 50 लाख रुपए राशि के मुआवजे की मांग को लेकर शव नहीं ले जाने आक्रोशित हो उठे। वहीं परिजनों से मिलने पहुंचे शहर विधायक वोरा ने इस हादसे को बेहद दर्दनाक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही और कहा कि मामला 50 लाख मुआवजा दिए जाने का तूल पकड़ने लगा है और सारे लोग शव को छोड़ वहां से चले गए हैं। इस संबंध में वार्ड पार्षद देवनारायण चंद्राकर और विधायक ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। मैं नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ कि एक जान चली गई है, उसकी भरपाई जीवन में हम जब तक हम लोग इस दुनिया में कभी कर नहीं पाएंगे और मुझे बहुत गहरा आघात लगा है और मैं हमेशा इस बात को उठाता हूँ। अभी फोटिया में भी एक घटना घटित हुई थी, मैंने एसपी को कहा, एसपी महोदय से कहा कि आप संज्ञान में लीजिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस घर का चिराग बुझता है उससे भी पता है, उसी से पूछा जा सकता है कि उसके दिल में क्या बीत रही है। तो इसमें सारे इंतजाम किए जाने चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी कारण से दुर्घटना घटित हुई होगी, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए जो है जो कार्रवाई की जा सकती कार्रवाई की जानी चाहिए, इस बात को मैंने निर्देशित किया अधिकारियों को। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।